नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जीवन में जब बहुत परेशानी बढ़ जाए, जब आपको लगे कि जीवन में आकस्मिक रूप से संकट, बाधाएं, परेशानी और एक के बाद और परेशानी आपको परेशान किए जा रही हैं, आपकी तकलीफें कम नहीं हो पा रही हैं, धन की ओर से आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई, ऐसे में आप क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। शिव जी भोले भंडारी जो कि एक लोटा जल और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें दिल से पुकार लेते हैं तो बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं और वो आपके ऊपर बिल्कुल ही अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको आत्मा को आपकी जो आत्मा है उसे परमात्मा में मिलाना जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों को छोटे से टोटके बताऊंगा दोस्तों, जी हाँ, जिससे आप जो आकस्मिक धन की प्राप्ति कर सकते हैं लौंग से, और भगवान भोलेनाथ जी को ही मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से इसे अर्पण करना है। तो हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि आपकी जितने भी परेशानी हैं या जो लोग परेशान रहते हैं वो हमेशा खुश रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपके हर कदम में मार्गदर्शन करने लगते हैं। आज मैं आप लोगों को लौंग के टोटके बताऊंगा। लौंग के जो टोटके रहते हैं कभी भी विफल नहीं जाती, चाहे तंत्र संबंधी समस्या में हम इसका प्रयोग करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का झाड़ा फूंका लगाने हो, हर चीज में निगेटिविटी को दूर करने के लिए हम लौंग का प्रयोग करते हैं। तो जो धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए भी लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी आपके ऑफिस की समस्या, कभी कभी आपके व्यवसाय कारोबार की समस्या, घर की समस्या, हर प्रकार के आपको टेंशन सताए जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके सिर पर कर्ज का बहुत ही ज्यादा भार बढ़ चुका है, या आप ऐसे स्टूडेंट, आपको रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो सारे समस्या से छुटकारा पाने के लिए हर प्रकार की इच्छा, आपके मन में जो भी दबी हुई इच्छा, वो इच्छा को पूर्ण करना चाहते, प्राप्त करना चाहते, तो उसके लिए एक छोटा सा टोटके बताऊंगा। अगर आपके जीवन में आपके कष्ट बढ़ जाएं तो किसी भी सोमवार के दिन क्या करें, आप सबसे पहले तो शिवालय में चले जाइए, यानी कि शंकर जी के मंदिर में चले जाइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए और कम से कम 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर आपको जाप करना है। क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से अगर आप किसी भी शिवालय में जाते हैं तो पहला तो शिवालय में जाने के बाद, क्योंकि वहां पे ऑरा सबसे ज्यादा रहता है, पॉजिटिव ऑरा सबसे ज्यादा रहता है, तो इससे मन शांत हो जाते हैं। दूसरा, जहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा ज्यादा है वहाँ पे नकारात्मक चीज कभी भी नहीं जा पाते, नकारात्मक सोच नहीं जा पाते। अगर बिजनेस में तरक्की करना है तो मंदिर में ही जाकर के जो भी बिजनेस करना है उसके बारे में सोचे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि वहाँ की ऑरा सबसे ज्यादा रहता है। तो अब इधर सुनिए टोटके, आपको करना क्या है, तो आपको तीन लेना है बेलपत्र, तीन बेलपत्र लेना है और उस तीन बेलपत्र के ऊपर में आपको दो दो जोड़ा, जी हाँ, वहाँ पे आपको दो दो जोड़ा अखंडित आपको लौंग डालना है, उसके फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए लौंग का। और इसे एक बिल्व पत्र को 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको हाथ में रखना है और इसे भोलेनाथ को समर्पण करना है। फिर दूसरे जो कहा जाए बिलपत्र है उसमें भी दो लौंग डालना है और 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, फिर उसे भोलेनाथ को चढ़ाना है। फिर तीसरा बिलपत्र लेना है, उसे 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करना है। इस प्रकार यह प्रयोग आपको करना है, या टोटके किसी भी सोमवार के दिन करना है। ध्यान दीजिए, यह टोटके गुप्त रखना है, वहाँ की पुजारी जान ले तो कुछ नहीं होने वाला, बाकी घर में किसी को बताना नहीं। इस टोटके को करने के बाद आपके हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाएंगी, मन में जो भी इच्छा है, या आपको भूत प्रेत टोना जादू जैसे औपचारिक क्रिया से लोग परेशान कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि आपके शरीर में, मतलब शरीर जकड़ा हुआ, किसी ने कुछ तंत्र बाधा कर दी है, ऐसा लगता है कि आपके घर से लक्ष्मी रुट गई है, पैसा नहीं आ पा रहे, तो एक बार भगवान भोलेनाथ से जो है हाजिरी लगा दीजिए, गुहा लगा दीजिए कि प्रभु हमारे ये समस्याएं इसे दूर करें। लौंग चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी, चाहे धन संबंधी समस्या क्यों ना, किसी भी प्रकार के समस्या दूर हो जाएंगे और इसका रिजल्ट आपको 15 दिनों के भीतर में मिल जाएंगे। 100% हम गारंटी देते हैं 15 दिनों के भीतर में टोटके को करने के बाद इसका रिजल्ट मिल जाते हैं। वैसे तो बहुत साधक को इसका रिजल्ट 2 से 3 दिन में ही मिल जाते हैं, लेकिन 15 दिन इसलिए हम बोले क्योंकि इस टोटके को कम से कम आपको 2 सोमवार को अवश्य करना है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। इस टोटके को करके आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, आई हुई मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।